इंदौर से एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो को लेकर हमारे साथ कुछ गर्ल्स मौजूद हैं। वीडियो था साफ, कुछ लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया था कि जिन लड़कों की शेविंग है हम उसे मैरिज के लिए प्रपोज नहीं करेंगे, वो हमारा लव बर्ड्स भी नहीं बन सकता। लगता है कि समाज बदल रहा है या थिंकिंग बदल रही है, आपको क्या लगता है इस तरह की ये वीडियो जो सामने आते हैं कि केवल रील बनाने के लिए होते हैं या वास्तव में? हाँ, ये अपने रील्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शेविंग से तो कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए। शेविंग से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं, ये उसके कैरेक्टर पे वो रहता है कि वो लड़का ठीक है या नहीं। शेविंग से तो किसी को जज नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ये सब रील बनाने के लिए होता है आजकल सोशल मीडिया का? ये रील्स बना, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है इन चीजों में, और ये इसलिए अपनी वीडियो वगैरह बना। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान अपने नेचर को देखो, अपने उसके कैरेक्टर को, शेविंग वगैरह या उसके फेस वगैरह बना। तो आप क्या किसी व्यक्ति के अंदर आप क्या देखना चाहती हैं, क्या शेविंग या मैं उसका सोच देखना चाहती हूँ, किस मतलब बिहेवियर है उसका या कैसा है, नेचर कैसा है, शेविंग वगैरह क्या देखना उसमें। तो क्या आजकल लड़कियों की भी थिंकिंग बदल रही है या समाज बदल रहा है, क्या लगता है? ये जो ये लड़कियों की वो ही है कि व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए कर रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या मानती है इस तरह की जो वीडियो सामने आते हैं उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको फैशन है, जो लगना चाहते रखते हैं, जो लगना चाहते हैं रखते हैं। क्या किसी को जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते नहीं। और भी हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को शेविंग के लिए जज किया जा सकता है कि आज के समय में? जी नहीं। क्या आप देखना चाहते हैं लड़की के अंदर, किस तरह का करेक्टर होना चाहिए? जिसके करेक्टर अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या थिंकिंग बदल रही है कि आजकल लड़कियों की भी इस तरह के प्रोटेस्ट जब सामने आते हैं? जी, वो तो लड़कियों पर डिपेंड है जी। बस आप क्या मानते हैं, आपके आपके क्या ओपिनियन है इस चीज के लिए? जी, हमारी तरफ तो कुछ नहीं है सर, ये सब रील्स बनाने के लिए होता है जी, सोशल मीडिया के लिए, फेमस होने के लिए। सर, ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और जो भी युवतियों ने ये वीडियो वायरल किया है, एक मुझे लगता है कि वायरल होने के लिए किया है। देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में आदमी वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहा है। ऐसे तो युवा कह देंगे मेकअप वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, मेरे को एकदम ब्यूटी चाहिए, लेकिन उसका कोई मेकअप नहीं चाहिए। दाढ़ी आजकल फैशन चल रहा है और युवा जो है फैशन में आजकल दाढ़ी में बहुत प्यारा लगता है, बढ़िया, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या लगता नहीं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही डिमांड, रील्स की भी डिमांड चलने लगी है, तो ये रील्स का भी कोई मतलब हो सकता है रील्स बनाने का, फेमस होने का? देखिए, आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे लोग फेमस हो रहे हैं, फेमस होने के बाद लोगों को पैसे की अर्निंग हो रही है, जो वायरल हो रहे हैं तो पैसा भी उन्हें कमाने का मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इसको लेकर के कुछ युवतियाँ जो है वीडियो उन्होंने वायरल बनाया है, उन्होंने नो क्लीन नो बॉयफ्रेंड, तो उनका यही उद्देश्य है एक वायरल होने का, मतलब कुल मिला के मेरी बात है। आज अगर बात करेंगे तो 90% युवा जो है शेविंग में है, और शेविंग में उसका लुक बहुत प्यारा लगता है, वो स्मार्ट लगता है, तो अपनी अपनी ये तो अपनी मर्जी है, वो हमें नहीं चाहिए कोई मेकअप वाली लड़की नहीं चाहिए, ऐसा हम भी कह सकते हैं वायरल होने के लिए, तो हमारी क्लीन शेव नहीं है, तो हम तो इसमें अच्छे रहते हैं, हम तो कभी नहीं कटाई हमने, हमारी भी गर्लफ्रेंड और सभी की गर्लफ्रेंड होती है, हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड को तो हमारी शेविंग बहुत प्यारी लगती है, हम भी तो बहुत प्यारी लगती है। आप केवल ट्रिम कराते हैं शेव को? हाँ, हम लोग तो सेट करा लेते हैं, बस हमारा कुछ नहीं, कभी मैंने कभी भी क्लीन नहीं कराई। आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी सवाल नहीं उठाया? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कभी नहीं कहा कि क्लीन शेव करे, वो कहती बहुत प्यारे लगते हैं मुझे और आप मुझे इसलिए बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए मैं अब जान के क्लीन नहीं कराता मैं। नहीं, तो क्या एक लड़की क्या चाहती चाहती क्या है उसका जीवन साथी? लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्लीन से हो ना हो, उसकी सेविंग हो ना हो, लड़की चाहती है कि वो लड़का उससे प्यार करता है कि नहीं करता, उसकी केयर करता है नहीं करता है, अपनी सेविंग की इतनी केयर कर रहा है तो मेरा वो कितना ध्यान रख रहा है, उसके लिए क्या रख रहा है, तो हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, तो हम कैसे भी रहे उससे कोई आपत्ति नहीं।